1 फरवरी यानी आज से कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इनमें LIC पॉलिसी, ATM कार्ड और रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े अहम बदलाव भी शामिल हैं। इन बदलावों से जहां एक तरफ आपको राहत मिलेगी, तो वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। आज 1 फरवरी से आम आदमी पर असर डालने वाले कई बदलाव हुए हैं, जिनमें ATM, WhatsApp, जीवन बीमा और डाकघर से जुड़े नियम शामिल हैं। एक तरफ जहां कई स्मार्टफोन्स में आज से WhatsApp चलना बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ATM और डाकघर से संबंधित भी नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। जी हां, आज से बंद हो गए कई ATM कार्ड। पोस्टल डिपार्टमेंट ने खाताधारकों से अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने और मैग्नेटिक ATM कार्ड को नए EMV चिप आधारित कार्ड से बदलने को कहा है। इंडिया पोस्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर बचत खाताधारकों ने 31 जनवरी तक दोनों काम नहीं किए तो आपका मौजूदा मैग्नेटिक ATM कार्ड आज से बंद हो जाएगा। बंद हुई LIC की कई पॉलिसी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने आज से अपनी 23 योजनाओं को बंद कर दिया है। इनमें LIC न्यू जीवन आनंद, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य जैसे पॉपुलर प्लान भी शामिल हैं। दरअसल पिछले साल नवंबर में IRDA ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को उन लाइफ इंश्योरेंस और राइडर्स को बंद करने के लिए कहा था जो कि नए प्रोडक्ट गाइडलाइन के अनुसार नहीं थे। रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बदले। हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होते हैं। वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में परिवर्तन के अनुसार ये दाम तय किए जाते हैं। रसोई गैस के साथ ही महीने की 1 तारीख को विमान ईंधन की कीमतों में भी बदलाव होता है। कई फोन्स में सपोर्ट नहीं करेगा WhatsApp। आज से पुराने एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन में WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा। WhatsApp ने पिछले साल ही इस बात की घोषणा की थी कि 1 फरवरी 2020 से iOS 8 और उससे पुराने वर्जन में WhatsApp नहीं चलेगा। वही एंड्रॉयड 2.3.7 के वर्जन में भी WhatsApp नहीं चलेगा। इसकी वजह से यूजर्स WhatsApp पर नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे, साथ ही मौजूदा WhatsApp अकाउंट को वेरीफाई भी नहीं कर सकेंगे। अब इन बदलावों से जहां आपकी जेब पर असर पड़ेगा, तो वहीं कुछ बदलाव के जरिए आप कई सुविधाओं से लाभ भी पा सकेंगे। DB लाइफ की रिपोर्ट।